सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सेकंड में, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से सेपरेट क्वेश्चन भर भर गया है पास्ट पेपर से, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के साथ भी आता है ये और अलग से भी आता है, ठीक है जी। दो टॉपिक हैं जो इंटरचेंजेबली आते हैं सर, कभी प्रोसेस आ रहा होता है उसमें भी जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स की चीजें होती हैं, लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते, ये प्रोसेस है जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और इस टॉपिक का एक सिग्निफिकेंस है पेपर में, ठीक है। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम प्रोसेस कॉस्टिंग आया है, इस दफा मैं थोड़ा इस पे टाइम इसलिए लगा रहा हूँ या लगाऊंगा कि इससे रिलेवेंट या तो डिसीजन मेकिंग आ जाएगी या इससे रिलेवेंट नॉर्मल सवाल आ जाएगा उठ के। ये सवाल आसान होता है अगर आपको चीजें आती है, ठीक है ना। ये एक तो लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, ये क्वेश्चन का साइज देख के आप ना डालें, काम करने की इसमें बहुत थोड़ी सी चीजें, ठीक है। हाँ, मैं इसको रीड कर दूं। ये कह रहे जनाब, अ फिश प्रोसेसिंग कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज ऑल द फिश कॉड बाय अ फिशिंग वेसल। सर हम मिसाल के तौर पर फिशरी में मछलियां बेचते हैं, ठीक है, और जो लॉन्च आती है पूरी, वो हम पूरी की पूरी खरीद लेते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी खरीद लेते हैं, ठीक है जी। द प्रोसेसर रिमूव्स हेड एंड स्केलेटन विच आर वेस्ट प्रोसेस वन सर, एंड इज देन एबल टू सेल द फिश फिलेट्स विच रिमेन। सर हम करते हैं कि ये मछली ली, मुंडी और दो मुड़ाई, छिछड़े निकाले, जो फिश के जो फिलेट्स बच गए ये हम उठा के बेच देते हैं। हमारा टोटल काम क्या, तका तका, बस ये हमारा टोटल काम है, ठीक है जी। खरीदना और दो टोके मारने और कचरा निकाल देना, ठीक है। अब सुनो और सुनना, वेस्ट इज एस्टिमेटेड एट 40% ऑफ द वेट ऑफ द फिश बॉट एंड सोल्ड एट 30 पैसा पर किलो फॉर एनिमल फूड। ये जो आप छिछड़े उछड़े निकालते हैं, मुंडी उड़ाते हैं, दो उड़ाते हैं, सर ये जो है ना वो 30 पैसा पर किलो के हिसाब से जानवर खरीद लेते हैं, जानवरों के खाने के लिए, जानवर नहीं खरीदते हैं, जानवरों के खाने के लिए खरीद लिया जाता है। अब मुझे बताओ आप इसको बाय प्रोडक्ट ट्रीट करो, नॉर्मल लॉस ट्रीट करो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब है सर एक मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फिलेट्स हैं, और बाकी क्या है सर, ये मुंडी और दुम वुम, ये क्या है सर, छिछड़े, ये बाय प्रोडक्ट है सर। द फिलेट्स आर इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी एंड 3 कैटेगरीज इमर्ज, ठीक है जी, स्टैंडर्ड, स्पेशल और सुपीरियर। 3 किस्म की मछली निकलती है, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइप की मछली होती है, थोड़ी स्पेशल होती है, और एक जो है वो सुपीरियर मछली होती है, ठीक है जी। हाफ द कैच इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टैंडर्ड। तो अगर आप 100 मछलियां पकड़ दे हो तो उसमें से आधी क्या निकलती है, स्टैंडर्ड निकलती है। फिर ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना सर, 50। ऑफ द रिमाइंडर सर देयर इज ट्वाइस एज मच स्पेशल एज सुपीरियर। समझा भैया, जो इसमें स्पेशल है वो टू, जो स्पेशल है वो 2/3 है, और सुपीरियर सर ये आपको कैसे पता चला, ओके, जो रिमाइंडर बचा है ना इसमें जो है वो स्पेशल अगर 2 हैं तो सुपीरियर 1 है, यानी 2:1 के रेशो में बाकी की मछली बढ़ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 33 और लगभग 16-17 ऐसा, फिर 17 चले लगभग इतना ना। फिर वो कह रहे जनाब, फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वेसल कंटेन्स 36,000 किलोज ऑफ होल फिश। 36,000 किलो मछली आप खरीदते हो, जिसमें से 40% क्या होता है, दुम और चिचड़े उचड़े मुंडी, ठीक है। फिर 1.5 रुपए किलो में खरीदते हो, कौन सी, सारी सुपीरियर स्पेशल वो आपका नसीब है, वो निकलता है उसमें से, ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेबर है सर 28,000 रुपए, आप एक 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 वेसल के ऊपर लेबर लगाते हो कितने का, $28,000 के। लेबर का काम क्या है, मशीन वशीन नहीं, डर क्या है इसमें। सुनो वो कह रहे हैं, एज एन ऑल्टरनेटिव टू सेल एज फ्रेश प्रोड्यूस द फिलेट्स मे बी कुक एंड कोटेड इन ब्रेड क्रम्स प्रोसेस टू। आप मछली या तो ऐसी बेच सकते हैं या उसको मस्त तेल में फ्राई करके भी बेच सकते, मर्जी आपकी है, ठीक है, वो प्रोसेस टू है, ये ऑप्शन है आपकी मर्जी। आप इसको ऐसे बेचना चाहो तो आप इसमें आगे डिसीजन मेकिंग का एंगल, पहले तो आपको कहा कि आप ऐसी बेच दो फिश फिलेट्स, दूसरा आपको क्या कह रहा है, इसको मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया है। कौन सी फिल्म दिया, बाबूराव, बाबूराव, अच्छा वो तेरा फिर। The process of cooking the fillets and coating them in bread crumbs cost 10 paisa per kilo material or 60 paisa per kilo labor. भाई आप इसमें standard fish को process करो, special को process करो, superior को process करो, bread crumbs वही लगेंगे, ठीक है जी, तेल उतना ही लगेगा। तो कह रहे भाई
दोनों तीनों को अगर आप फर्दर प्रोसेस करना चाहो, खर्चा कितने का आएगा? 70 पैसे का। कितने का? 70 पैसे का। ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब करंट मार्केट प्राइसेस, भाई को उठा दे यार, क्या करता है भाई रात को तू, हैं? दिन में सो रहा होता तू, हैं? क्या हुआ, मोटरसाइकिल चलाता है क्या? तुम्हारी चिड़बड़ है क्या? अच्छा चलो। करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ फ्रेश फिलेट्स एंड ब्रेड क्रम्ब ऑल्टरनेटिव्स आर एज अंडर। सर गौर से देखिए, आपका खर्चा कितना है सर एक एक फिश फिलेट्स को जो है वो तेल में, मस्त तेल में फ्राई करके बेचने का? वो आपसे कह रहे जी अगर सुपीरियर 7.50 रुपए का बिक रहा है फ्रेश, 8.70 रुपए का ये बिकेगा कैसे? आपने खुद ये 0.7 नहीं है खा लिया, नीचे वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ रहा है, ठीक है वो देख लेना आप। ठीक है, फिर सर ये इनके एडिशनल सेल्स है। एडिशनल सेल्स का मतलब ऐसे नहीं वैसे बेचो दो, आपको थोड़े से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े ज्यादा पैसों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है जी। खर्चे में अभी तक हमने मटेरियल और लेबर देखा। फिर कह रहे प्रोसेस वन में ओवरहेड्स हैं, OAR है 120% ऑफ लेबर कॉस्ट। जो लेबर कॉस्ट है उसका 120% ओवरहेड्स है। इन ओवरहेड्स के अंदर 1/3 वेरिएबल है, बाकी क्या है? बाकी फिक्स्ड एलोकेट हो रहा है। फिर प्रोसेस टू में ओवरहेड 180% ऑफ लेबर कॉस्ट है, 1/4 इज वेरिएबल। अब आपने रिक्वायरमेंट जो है ना इन सबको छोड़ के एक काम करना, आपने करना ही है रिक्वायरमेंट भी इसी तरह की है, वो कुछ थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको छोड़, आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने मुझे बताना है सर कि कंपनी ने किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किस पर्टिकुलर आउटपुट को फ्रेश फिलेट्स में बेचना है और किसको क्या करना है, फर्दर प्रोसेस करना है ब्रेड क्रम्ब और बॉल में तल के। ठीक है जी, एक तो डिसीजन ये। दूसरा, प्रोसेस वन में ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करके देनी है। बेसिस क्या होगी? या तो वेट या मार्केट वैल्यू या सेल्स वैल्यू। ऐसा आपने दो काम करने, पहला काम प्रोसेस वन की कॉस्ट एलोकेट करनी किस बेसिस पे, वेट और मार्केट वैल्यू। फिर दूसरा डिटरमिन विच कैटेगरी, ठीक है जी, वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी टू सेल इन फिलेट्स फॉर्म। ब्रीफली इस पे कमेंट करें। दो काम आपने करके देना, ये घर जाके आप देखोगे। अगली क्लास में मैं आते ही इसको सॉल्व करूंगा। मेरी क्लास है कितने बजे तक? 2 बजे तक करो इसको। काम करो। काम करो मनुष्यों, शाबाश। थैंक यू यार, ये किसने बताया कि 2 बजे तक? दो सवाल और नहीं, बिल्कुल चुप। काम करो। किसको? नहीं नहीं कोई गालियां नहीं सुनने को मिलेंगी, क्या मतलब? काम करो। इसमें क्या निकालना है? इसमें कॉस्ट एलोकेट करनी है। बुक का पेज नंबर बता दें, 310 लाइन नंबर भी बता दें। हाँ जी चलो जी। नहीं नहीं अब मैं ये करूंगा यार, मैं क्लास में आके ना सवाल सॉल्व करा दिया करूंगा। यहां देख लो इसको, मैं करा रहा हूं। सुनो सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो और बोर्ड पे देख लो बस। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास है डायरेक्ट मटेरियल है, मैंने 36,000 किलो मछली खरीदी और मैंने 1.5 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी। फिर मैंने लिया डायरेक्ट लेबर, सर यह मेरे पास 28,000 सीधा। फिर मेरे पास है ओवरहेड्स, दोनों वेरिएबल फिक्स मिला के सर 28,000 का कितना टोटल कॉस्ट कितनी होगी? कितना? 1,1,000। अब मैं इसमें से लेस कर रहा हूं क्या चीज, एनआरवी ऑफ
बाय प्रोडक्ट है कितने यूनिट? सर मेरे पास 36,000 केजी का कितना? 14,400 केजी मल्टीप्लाई में पॉइंट कितना? 4,000 कितना बचा? 111 पक्का? ये आ गया सर मेरे पास टोटल कॉस्ट डन आफ्टर एलोकेटिंग कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। अब ये तीन प्रोडक्ट्स में बटेगी, कौन से तीन प्रोडक्ट्स? स्टैंडर्ड, सुपीरियर और ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास वेट कितना है? सर मेरे पास 36,000 केजी का 21,000 50% इसमें स्टैंडर्ड है, कितना? सर इसके अंदर जो रिमेनिंग 50% है उसका 2/3 स्पेशल है, 7,000 सुपीरियर जो है 50% का कितना? ऐसा बोर्ड पे देखना, बताओ इसकी एक एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? कितनी है सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड की? शयों ये उल्टा दिया हुआ है, सुपीरियर ऊपर दिया हुआ है, 4, 6.8 और 7.5, 4, 8 और बताओ इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? कितना? 432 डिवाइड थोड़ी करना, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 432 डबल फिर 48 ठीक है मेरे बच्चों, ये पक्का। अब आपको ये जो जॉइंट कॉस्ट है ना ये वाली, या आपने एलोकेट करनी है या तो वेट की बेसिस पे या फिर मार्केट वैल्यू की बेसिस पे, यही दो काम आपने करने थे, ठीक है ना। एक काम करते हैं हम सर, एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर मेरे पास प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड, स्पेशल और सुपीरियर, वेट सर मेरे पास यह है कितना? 10,800 7,200 और 3,000। बेटा जरा इस रेशियो में ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर दो, कितना सर जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 111,228,000 ये टोटल कितना है? 21,000। क्या रहा है वैसे कॉस्ट पर यूनिट? क्या आ रही है ओवरहेड फिक्स दोनों है, बिल्कुल दोनों लेंगे ना, दोनों ले लिए 120% में दोनों है। फिक्स्ड ओवरहेड क्यों रखा बेटा? हमने कोई मार्जिनल कॉस्टिंग से काम थोड़ी करना है, हमने हमेशा जब एलोकेशन करनी है कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे करनी है, ठीक है जी। याद रखिएगा जब भी आप किसी कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे हमेशा किस बेसिस पे जाएंगे? डिसीजन मेकिंग में और ब्रेक इवन में आपको सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करनी है, बस ऐसा। अब बताए क्या आ रही है? 5 पॉइंट जो भी है सही, आप मल्टीप्लाई करके मुझे बता दे रहे हो जॉइंट कॉस्ट कितनी? 5,5,640 और 37 और 18,5,40। अच्छा 2 मिनट बोर्ड पे देखना, ये मेरी जॉइंट कॉस्ट आ गई, ये बताओगे मेरे पास सेल्स कितनी है इन सब की? ये दी हुई है सर 43,48,960 और
मुझे बताएं मेरे पास प्रॉफिट और लॉस, पहले वाले में लॉस आ रहा कितने का? 12,400। फिर प्रॉफिट आ रहा 8, ये अब बताओ नेट हमें कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? कितना? 1,780। ये हुआ मैं प्रॉफिट। ऐसा देखें, एग्जामिनर ने आपसे कहा मुझे ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करके दे दें और प्रॉफिट भी निकाल के दे, मैं निकाल के दे दिया दोनों। अदरवाइज एग्जाम में जनरली क्या आता है, ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन है, किस बेसिस पे आपने एलोकेशन की? अब बताओ मैं यही काम कर रहा हूँ किसकी बेसिस पे? मार्केट वैल्यू की बेसिस पे। मैं ये टेबल एज इट इज उठाता हूँ, ठीक है, नहीं चिपका नहीं देता हूँ। ये छाप रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो एक काम करते हैं, अब हम वेट नहीं रखते बल्कि क्या रखते हैं? सेल्स वैल्यू रखते हैं। ऐसा तो सेल्स वैल्यू हमारे पास है, फिर हमें इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास है कितनी? 43,200। ये कितना? 48,960। और ये टोटल कितना? ये 9। एक काम करें जरा, इसको अब कॉस्ट को एलोकेट करें किस बेसिस पे? जॉइंट कॉस्ट जो 111,280 है, जो भी है मुझे जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करके दें इसकी बेसिस पे। 40,34, ये 176 की जगह 25,000, आखिरी का 25,000, बीच वाला भी बता दे भाई 7। अब एक काम करो जरा, मुझे प्रॉफिट निकाल के दो, ये सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस। फिर 3,238, फिर 1,890। अब ये नहीं कि तीनों प्रॉफिटेबल नजर आ रहे हैं, ऊपर क्या नजर आ रहा था? एक लॉस मेकिंग, क्योंकि सर यहाँ सेल्स वैल्यू की बेसिस में कॉस्ट एलोकेट हुई है। जिसकी सेल्स ज्यादा उसको ज्यादा कॉस्ट दे दी, जिसकी सेल्स कम उसको कम कॉस्ट दी। तो या तो सारे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होंगे या सारे लॉस मेकिंग होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक प्रॉफिटेबल एक लॉस। ठीक जी, 7,9। आप देखें ऊपर और नीचे ये बराबर होंगे हमेशा। सिर्फ कॉस्ट एलोकेशन करने से इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन टोटल बेसिस पे तो प्रॉफिट इन दोनों का फर्क है ना, 111,280, और इन दोनों का डिफरेंस है सेल्स और कॉस्ट का। हम क्या बेसिस ले, जो एग्जामिनर कहे, आप सेल्स ले लें या वेट ले लें, जो एग्जामिनर आपसे कहे। जी अब बोर्ड में देखिएगा दोस्त, बोर्ड में देखना, उसके बाद घर जाके इसको छापते रहना। सुनो, डिसीजन ऑफ दो मिनट के लिए बोर्ड में देखो, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो बोर्ड में देखो सारी चीजें छोड़ दो। मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने फर्दर प्रोसेस करनी है? एक है स्टैंडर्ड, स्पेशल और सुपीरियर। बताएं सर इनकी एडिशनल सेल्स प्राइस कितनी है? एडिशनल सेल्स प्राइस पता कितनी है? जाओ ऊपर, स्टैंडर्ड की एडिशनल सेल्स प्राइस देखो कितनी है। स्टैंडर्ड की एडिशनल सेल्स प्राइस
1.20। इसकी स्पेशल की सही, देखो एडिशनल प्राइस क्या है, 0.7, ये 1.20 पक्का। अब बताओ अगर मैं नीचे जाता हूं सर, तो यह है 1.20, ये भी है 1.20, यह है 0.7, ऐसा। अब बताओ ये एडिशनल कॉस्ट कितनी है सर, तीनों की एडिशनल कॉस्ट एक ही जैसी है, मटेरियल लगेगा इसमें कितने का, 0.6 का, लेबर लगेगी कितने की, 0.1 है 0.6 है, चेक करो, वो कह रहे जी 0.1 का मटेरियल है, 0.6 का लेबर है, लेकिन ओवरहेड भी है। ओवरहेड में कौन सा वेरिएबल पार्ट हमारे लिए रेलेवेंट है, सर हमारे पास मटेरियल कितने का है, 10 पैसे का, लेबर कितने का लगेगा इसको मस्त तेल में फ्राई करने का, 60 पैसे का, ओवरहेड्स 6 पैसे का, 120% कितना होता है, कितना 0.72। वो कह रहा है भैया जो 0.72 के ओवरहेड्स हैं, ये जो 0.72 के ओवरहेड्स हैं, इसका 1/3 वेरिएबल है, सॉरी 180% लेना हमने यार, 120 थी, सेकंड प्रोसेस है ना ये, सर ये कहाँ लिखा है, ये रहा लिखा हुआ सर, ये कह रहा जी मस्त तेल में फ्राई करने के लिए प्रोसेस 2 चलाना पड़ेगा, प्रोसेस 2 का OAR है 180% ऑफ लेबर कॉस्ट, 1/4 इज वेरिएबल, तो 180% निकालो उसका कितना निकलता है, 1. इसका 1/4 वेरिएबल ओवर इट, पॉइंट कितना हो गया, 0.9। बताओ अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करता हूं तो मुझे गेन या लॉस होगा पहले वाले को, स्टैंडर्ड को कितने का, 0.23, ये प्रॉफिट है, फिर लॉस और, अब बताएं कौन से वाले को फर्दर प्रोसेस करें कौन से वाले को नहीं करें, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उस साल कहां से आ गया, उस साल कौन सा क्वार्टर लेकर आ रहा है भाई, 1/4 कहते हैं 25% को, वो कह रहे हैं जो आपकी कॉस्ट है ना उसका 1/4, साल कहां से आ गया यहां पे यार, तो ये कोई वो चरगा वर्गा खरीदने जाओ ना, वो कहते हैं क्वार्टर पीस हाफ या फुल, साल बेच रहे हो क्या, नहीं भाई, बता इसमें से कौन सी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें, स्टैंडर्ड और सुपीरियर को, और बाकी स्पेशल को आप एक काम करें बगैर जो है ना वो तेल में फ्राई करके ऐसी बेच दो उसको, पक्का। ये सवाल आपने घर जाके दोबारा देखना है, जल्दी आ जाओ मेरे बच्चों, इस सवाल में लिख दो एक बेंचमार्क क्वेश्चन है, आपको इसको एक दफा फिर एग्जाम के करीब देखना है, ठीक है, इस पे मार्क कर दो। ये कह रहा है रेमन कंपनी प्रोड्यूसेस 3 केमिकल्स J1X J2Y एंड B1Z, कितने प्रोडक्ट्स हैं इसके, 3 लिख के दिए J1X J2Y और B1Z। रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड इन अ सिंगल प्लांट दैट प्रोड्यूसेस 2 इमीडिएट प्रोडक्ट्स J1 एंड J2। इसका मतलब है पहले रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, इससे क्या बनता है J1 और J2, फिर देयर इज नो मार्केट फॉर दीज 2 इमीडिएट प्रोडक्ट्स, ये दोनों बिक नहीं सकते, ठीक है। J1 इज प्रोसेस्ड फर्दर इन प्रोसेस एक्स, इसको हम प्रोसेस एक्स में फर्दर प्रोसेस करते हैं, लाइन जो है वो प्रोसेस को डिनोट कर रही होती है सर। इसके बाद बनता है सर क्या चीज, फर्दर प्रोसेस एक्स टू प्रोड्यूस J1X से बन जाता है J1X, ठीक है। फिर वो कह रहे J2 इज कन्वर्टेड इनटू J2Y, ठीक है जी, इन अ सेपरेट फिनिशिंग प्रोसेस, ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है सर, ठीक है जी। द फिनिशिंग प्रोसेस Y प्रोड्यूसेस बोथ J2Y एंड अ वेस्ट मटीरियल B1, से 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, कौन से,
J2Y और B1, ठीक है, विच हैज नो मार्केट वैल्यू, B1 की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। द रेमन कंपनी कैन कन्वर्ट B1 आफ्टर एन एडिशनल प्रोसेसिंग थ्रू प्रोसेस जेड, इस पे एक और प्रोसेस चलता है, कौन सा प्रोसेस जेड, इसके बाद ये क्या बन जाता है, B1Z, ऐसा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी है, द कंपनी कैन सेल एज मच B1Z एज इट कैन प्रोड्यूस एट अ प्राइस ऑफ 1.5, इसका मतलब इसकी अनलिमिटेड डिमांड है, ऐसा जितने प्रोड्यूस कर सकते हो करो। अब बताओ सर अल्टीमेटली हमारे कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, 1, 2 और 3, प्रोसेस कितने चलते हैं, पहला प्रोसेस चलता है जिससे J1 J2 बनता है, दूसरा प्रोसेस चलता है जिससे J1X बनता है, तीसरा प्रोसेस चलता है जिससे J2Y और B1 बनता है, और फिर चौथा प्रोसेस चलता है जिससे B1Z में कन्वर्ट हो जाता है। पक्का कितने प्रोसेस है, 4। फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, पहले प्रोसेस से क्या बनेंगे, फिर हम J1 को फर्दर प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस चलाएंगे, दूसरा प्रोसेस चल गया, J2 पे भी प्रोसेस चलाओगे क्या बनेगा, वो J2Y और B1, फिर B1 पे एक और प्रोसेस चलाओगे क्या बनेगा, B1Z। पक्का कितने प्रोसेस है इधर, पहले प्रोसेस का नाम है X, ऐसा X है या सॉरी कॉमन प्लांट है, पहले प्रोसेस का नाम है कॉमन प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस का क्या नाम है X, ये X इसके लिए बनता है, तीसरे प्रोसेस का नाम, चौथे प्रोसेस का नाम Z। कितने प्रोसेस है इधर, कितने प्रोडक्ट्स है इधर, 3, 2 मेन प्रोडक्ट्स 1 बायो, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कि बायो प्रोडक्ट है कौन सा, आगे देखो सर, नहीं हमने पढ़ लिया बायो प्रोडक्ट Z, ठीक है जी, बायो प्रोडक्ट कौन सा, इसमें 2 मेन प्रोडक्ट्स है, कौन से, J1 X और J2Y, फिर एट नॉर्मल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स 6 लाख kg ऑफ कॉमन इनपुट मटेरियल इज प्रोसेस ईच मंथ, हर महीने हम कितने लाख किलोमीटर प्रोसेस, कितने लाख जो है वो किलोग्राम प्रोसेस करते हैं मटेरियल का, 6 लाख, जिसमें से 4,40,000 और 1,10,000 J1 और J2 बनते हैं, अगर मेरी मैथ सही है तो 4,40,000 और 1,10,000 मिला के 6 लाख नहीं बनते, कितने बनते हैं, इसका मतलब यह है कि जो मेन प्रोसेस चलता है कितने लाख केजी आप प्रोसेस करते हो, 6 लाख kg, इससे बनते हैं क्या चीज, 2 आउटपुट्स J1 और J2। J1 कितना बनता है, J1 बनता है 4,40,000, J2 कितना बनता है, तो बाकी कहां गया यार, बाकी लॉस हो गया, लॉस हो गया नहीं, बाय प्रोडक्ट तो आगे जाके किसी प्रोसेस से बनेगा ना, ये क्या कह रहा है, ऑल लॉसेस आर नॉर्मल लॉसेस, क्या मतलब, रूटीन लॉसेस है, चलो जी ये आ गया सर हमारा लॉस कितने का, 50,000 का, चल J1 बन गया, J2 बन गया और क्या निकल आया, लॉस निकल आया, पक्का भाई, जिसके पास इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं उसके लिंक में इश्यू आ रहा होगा, अदरवाइज सबका सही चल रहा है लिंक, ठीक है ना, शायद एक अच्छा सा वो ले लो इंटरनेट पैकेज ले लो, ये 2 रुपए वाला पैकेज शायद नहीं चल पा रहा है, ना 2 रुपए में 20 घंटे भी आते हैं ना, पता नहीं ऐसा है पैकेज शायद, ऐसा आता 1 रुपए में 500 GB आता है ना, वो रात में वेलो के लिए होता है, खुद भी जागे दूसरों को भी जगाएं, पैकेज का नाम है 20 रुपए का होता है, तभी तो सुबह सो रहा होता है क्लास में। अच्छा जी 1 to 9, 2 रुपए में डबल मजा, अच्छा चलो अब हमारे बन गए सर J1 और J2, ऐसे ही है, एक मिनट रुक जाओ नहीं तो इसका नुकसान हो जाएगा, ठीक
तुम लोग नहीं वो जोंग की कोई डिवाइस वाइस लेके नहीं घूमते हो तुम लोग? आ रहा है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, काम की चीज नहीं पूछ रहा। मतलब घर में तुम लोग क्या कोई इंटरनेट का वो लगा हुआ है जो लोकल इंटरनेट होता है केबल वाला, उसके क्या चार्जेस क्या होते? 1000-1200 रुपये, 2000 मतलब। हमारे वहां है ही नहीं, नहीं हमने फिर वो पीडीसीएल का लगाया भाई। नहीं 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 पीडीसीएल जीपॉन बहुत टाइट है भाई, 100 MB 15,000 रुपए मंथली है, लेकिन बहुत टाइट चीज है। मतलब सही अच्छा कितने में? कौन सा कार्ड? तो वो ले लो ना, आईपीटीवी ले लो ना, आईपीटीवी है अच्छा सस्ता है। अच्छा जी आप बताएं सर, हमारे पास मेन प्रोसेस से क्या क्या बन गया? J1 और J2 और लॉसेस आ गया। मेन प्रोसेस पर खर्चा कितना आया? 5,50,000। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपने सिर्फ देखते रहना है, सवाल में करना नहीं है कोई, ठीक है? क्या क्या हमने मेन प्रोसेस से 6,00,000 kg प्रोसेस किए, जिससे 4,40,000 kg क्या निकला? J1, 1,10,000 J2 निकले, ठीक है जी। आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर सेपरेट फिनिशिंग प्रोसेसेस, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ J1X, J2Y एंड B1Z इमर्ज। देखो भैया, पहला प्रोसेस चल चुका है, ये बन चुके हैं। दूसरा प्रोसेस किस पे चलना है? इस पे चलना है। इस प्रोसेस की कॉस्ट बताओगे कितनी है? पहले प्रोसेस ये दी हुई है सर, ये दी हुई है सर 5,00,000। अच्छा देखो, इसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है और फिक्स ओवरहेड भी है। हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, पूरे 5,50,000 रुपए लेने। ये किसमें बटेंगे? नहीं, तीनों में नहीं, लॉसेस को हम कॉस्ट एलोकेट नहीं करते। किसमें बटेंगे? दोनों में। किसमें? J1 और J2 में। हम नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट नहीं करते, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो हम उसको और अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे जी। मुझे बताएं हम सर, ये 5,50,000 किसको एलोकेट करेंगे? J1 और कर देते हैं, रुक जाओ कर देते हैं। फिर प्रोसेस एक्स चलवाना है किसके ऊपर? J1 के ऊपर। जिससे क्या बनेगा ये? जिससे क्या बनेगा J1? कितने J1 तुम्हारे पास है? 4,40,000। ऊपर आपको ये कह रहा है कि J1X 4,00,000 बने, तो बाकी कहां गया सर? बाकी लॉस हो गया। इसका मतलब है J1 प्रोसेस के एंड में भी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, J1X और नॉर्मल लॉस। ऐसा कितने सर? 4,00,000 और एक चीज नोट कर रहे हो, 6,00,000 से स्टार्ट लिया, J1 बना, J2 बना, लॉस बना, J1 को प्रोसेस किया, J1X बन गया, एक और लॉस निकल आया। ऐसा इस प्रोसेस का नाम क्या था? प्रोसेस एक्स। इस पर खर्चा कितना आया? 4,10,000 रुपए। ऐसा ये वाला ऐसा ही। अब हम चला रहे कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस वाई। प्रोसेस वाई से बनना क्या है? दो प्रोडक्ट्स बनने, कौन से? J2Y नशियों, चरसियों और B1। ये बताया था तुम लोगों को, पहला प्रोसेस चलेगा, क्या बनेगा? J1 J2, ठीक है जी। फिर ऊपर प्रोसेस चलेगा, J1 से क्या बनेगा? J2 प्रोसेस चलेगा, क्या बनेगा? J2Y और B1। ऊपर पूरी डायग्राम डिस्कस करके नीचे आया, भूल गया तुम लोग यार जी। अब बताएं जी, प्रोसेस वाई खर्चा कितना? खर्चा कितना सर? सर ये रहा खर्चा, 1,35,000। कितने प्रोसेस चल चुके हैं अब तक? एक इसको प्रोसेस कहते हैं, एक इसको प्रोसेस कहते हैं और इसको प्रोसेस कहते हैं। गिनती में कितने हो गए? 1, 2, 3, ठीक है। अब भी एक चीज बाकी है, वो क्या है सर? B1 कौन सा प्रोसेस चलाना है? प्रोसेस Z। खर्चा कितना आएगा इसमें? सिर्फ 10,000 रुपए, सिर्फ। इससे क्या बन जाएगा? B1Z। ये टोटल था कितना? 1,10,000 में 1,00,000 ये था सर। ये आपको कैसे पता चला? ये रहा लिखा हुआ बेटा, 1,00,000 और B1 कितना? और B1Z भी बगैर लॉसेस के कितना?
दोबारा देख लो बेटा, दोबारा देख लो, 6 लाख केजी हमने प्रोसेस किए, यहां मैं पढ़ता भी जाऊं। ये कह रहे जनाब एट नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल्स, एट नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल्स 6 लाख केजी ऑफ कॉमन इनपुट मटेरियल आर प्रोसेस्ड ईच मंथ, ठीक है जी। देयर फॉर 4 लाख 40 एंड 1 लाख 10 J1 और J2 प्रोड्यूस हुए, J1 और J2 कितने 4 लाख 40, और फिर उसके बाद उसने कहा भैया J1X बनाने के लिए तुम्हें प्रोसेस X चलाना है, ऊपर बता चुका है वो, और वो कह रहे J1X प्रोड्यूस हुए 4 लाख, सर हमने तो इनपुट 4 40 किए थे तो बाकी कहाँ गया, सर लॉस हो गया 4 लाख J1X बन गया। फिर उसने कहा जनाब हमारे पास बाकी यहाँ कितने केजी थे, 1 लाख 10, इस 1 10 में से क्या बना, 1 लाख J2Y 1 और 10,000 B1, सर ये आ गया J2Y 10,000, सॉरी 1 लाख और 10,000 आ गया B1, सर B1Z कितने बने, 10,000 केजी बने। मेरा सवाल ये सर कि कितने रुपए का टोटल खर्चा हुआ है सर इस पूरे 4 प्रोसेस को चलाने पे, 5, 50, 4, 10, 1, 35 और 10,000, बना क्या क्या, एंड में क्या बना, सर J1X बना, सर J2Y बना और B1Z बना, ये 3 चीजें बने। कितनी कितनी क्वांटिटीज बनी, 4 लाख, फिर 1 लाख और 4 लाख 1 लाख और 10,000, 4 लाख 1 लाख और 10,000। फिर जी अब बताएं सर मांग क्या रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे मांग रहा है 2 चीजें, वो कह रहा है जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करके दो, जॉइंट कॉस्ट है कौन सी, ये जॉइंट कॉस्ट है, नहीं ये तो सिर्फ प्रोसेस एक्स की कॉस्ट जो है ना J1X पे ही लगी है, ये जॉइंट कॉस्ट है, नहीं ये तो J2Y पे लगी है, ठीक है जी, क्या ये जॉइंट कॉस्ट है, हाँ ये जॉइंट कॉस्ट है। अब सुनना गौर से, एग्जामिनर आपसे कह रहा है ये कॉस्ट वेट की बेसिस पे एलोकेट करो, किसकी बेसिस पे, अच्छा वेट कौन से लू, 4 लाख लू और 1 लाख लू या 4 लाख 40 और 1 लाख 10 लू, 4 40 और 1 10 लेना, क्यों, क्योंकि आउटपुट की बेसिस पे जब भी कॉस्ट एलोकेट करोगे याद रखिएगा मेरे बच्चों वो आउटपुट वही लेना जो प्रोसेस के एंड में बचा हो, बाद के प्रोसेसेस चलने के बाद जो लॉस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो नहीं लेना, आपने क्वांटिटी देखिए 4 40 थी वहां कितनी हो गई 4 लाख, आपने ये नहीं लेनी, आपने लेनी 4 10, पहले प्रोसेस के नतीजे में आउटपुट कितना था 4 लाख 40 और 1 लाख 10। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो, जागता रहे भाई इसको उठा दे यार, भाई तू जा मोदो के आ जा यार, तू नहीं आया अगर भाई क्लास सोया कर घर पे, प्रॉपर नींद पूरी कर लिया अगर। अच्छा जी तो पढ़ता क्या होगा फिर यार, अगर तू सोता होगा पूरे टाइम। अब बता सर मेरे पास जॉइंट कॉस्ट है कितनी टोटल, मैं किसमें एलोकेट करूं, J1 में और J2 में, कितने किस बेसिस पे, वेट की बेसिस पे करो, जरा वेट है कितना हमारे पास 4 लाख 40 केजी और 1 लाख 10 केजी, जी कॉस्ट कितनी आएगी, सर कॉस्ट भी इतनी आ जाएगी, कितनी 4 40 और 1 लाख 10। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, प्लीज समझने की कोशिश करना इसको, बताएं सर मेरे पास और तो सुनो J1X J2Y, सुनो सर ये 2 मेन प्रोडक्ट हैं, इन 2 मेन प्रोडक्ट्स को ही कॉस्ट एलोकेट करनी है, बाय प्रोडक्ट को हमने कोई कॉस्ट करनी है एलोकेट, नशियों कितनी जितनी की उसकी NRV है। अच्छा बाय प्रोडक्ट किस प्रोसेस से निकला है, प्रोसेस Y के नतीजे में निकला है, किस नतीजे में निकला, ये बाय प्रोडक्ट चर्सियों किस प्रोसेस से निकला है, प्रोसेस Y से, आंखें खोल के देख लो, बताओ सर इसकी NRV कितनी है इस बाय प्रोडक्ट, बगैर देखे ये कह रहे 1.5 रुपए में ये प्रोडक्ट बिक जाता है, कितने में 1.5 रुपए में, सर निकालें, सर B1Z, सर सेल्स 1.5 रुपए के हिसाब से 1.5 × 10,000 15,000, ठीक है जी, ये क्या इसकी सेल्स है, प्रोसेस जेड पे खर्चा कितना हुआ, प्रोसेस जेड पे खर्चा कितना हुआ 10,000, बताएं सर ये B1 15,000 का बिकेगा 10,000 के खर्चे के बाद, ये B1 कितने का बिकेगा
15,000 का बिकेगा 10,000 के खर्चे के, बताओ इस बी वन की एन आर वी कितनी है? ये किसकी एन आर वी है? ये बी वन की एन आर वी किसकी एन आर वी है? बी वन किस प्रोसेस से बना है? प्रोसेस वाई से। बी वन किस प्रोसेस से बना है? बी वन जेड की एन आर वी नहीं है, ये बी वन जेड की एन आर वी नहीं है। मुझे बताओ बाय प्रोडक्ट पहली दफा दरियाफ्त कब हुआ? प्रोसेस वाई से निकला। प्रोसेस वाई के नतीजे के एंड में जब ये 10,000 बचा, हमने सोचा इसका क्या करें, हमने सोचा बेच दें इसको। कितने का बिकेगा ये? 15,000 का। लेकिन खर्चा करने के बाद बताएं इसकी एनआरवी कितनी बच रही है? ये 5,000 किसकी एनआरवी है? ये बी वन की है, बी वन जेड की नहीं है। बी वन 5,000 ही आपको कमा के देगा। बी वन जेड बनाने पे 10,000 का खर्चा आएगा और बिकेगा कितने का वो? मैं आपको कहूं भैया ये रिमोट है तुम्हारे पास, ये बी वन है, इसको बेचने जाना चाह रहे हैं, बिकेगा नहीं ऐसे, क्या करना पड़ेगा इसको? इस पर खर्चा करना पड़ेगा कितने का? 10 का। उसके बाद जाके बिकेगा कितने का? तो बताओ इसकी इट सेल्फ आज वैल्यू कितनी है? सिर्फ 5,000 रुपए। ऐसा ये बात समझ आती है? तो बताओ बी वन की एनआरवी कितनी है? 5,000 में किससे माइनस करूं? किससे माइनस करूं? किस प्रोसेस से बना है ये? वाई से बना है। तो सर प्रोसेस वाई के दो हिस्से बनेंगे। 5,000 की कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी किसको? बी वन को, और बाकी सर जे टू वाई का कॉस्ट एलोकेट होगी 1,30,000। कितनी कॉस्ट एलोकेट होगी? 1,30,000। कितनी कॉस्ट एलोकेट होगी? 1,30,000। मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल यह है, तुमने पहले जॉइंट कॉस्ट एलोकेट की जे वन और जे टू को किस हिसाब से? आप यहां लिखें जॉइंट कॉस्ट कितनी, जे वन और जे टू को 4,40 और 1,10,000। फिर तुमने एक और प्रोसेस चलाया, कौन सा प्रोसेस? एक्स। इसका खर्चा किसको जाना चाहिए? सिर्फ जे वन एक्स को जाना चाहिए। बस यहां डाल दिया मैंने जे वन एक्स को 4,10,000। फिर मैंने एक और प्रोसेस चलाया, कौन सा प्रोसेस? वाई। इसका पूरा खर्चा जे टू वाई और बी वन को जाना चाहिए। बी वन एक बाय प्रोडक्ट है, उसको कितनी कॉस्ट एलोकेट करो? जितनी उसकी एनआरवी है, यानी 1,35 में से मैंने क्या किया, 5,000 उसको एलोकेट कर दिए, बाकी 1,30 किसको एलोकेट करो? सर ये आ गया 1,30 जे टू वाई के पास। अब बताओ दोनों प्रोडक्ट बनाने पर मेरा टोटल खर्चा कितना है? एक आए 8,50,000 और एक आया कितना? 2,40,000। ये मेरा टोटल खर्चा है क्या बनाने पे? जे वन और जे वन एक्स और जे टू वाई। मेरे बच्चों बताओ इनकी सेल्स कितनी है? कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है जे वन एक्स की? 4,00,000। जे टू वाई की 1,00,000। इनकी सेलिंग प्राइसेस दी हुई है सवाल में, कितनी? 2.425 और 4.5। कितना आता है ये मल्टीप्लाई करने से? 9,70,000। ये कितना आता है? 4,50,000। बताएं सर मेरे पास इन दोनों का प्रॉफिट कितना बनता है? 1,20,000। फिर 2, ये क्या है हमारा प्रॉफिट? ऐसा है बेटा, बोर्ड में देखना, हिलना नहीं, हिलना नहीं, पहले पूरा समझो, फिर आपको मैं करने के लिए दूंगा। सर सुनो, मैंने एक प्रोसेस चलाया, खर्चा आया कितने का? 5,50,000 का। इससे क्या बनाया मैंने? जे वन जे टू, ये कॉस्ट किसको एलोकेट की? इसको एलोकेट कर दी 4,40,000। इसको एलोकेट कर दी कितनी? 1,10,000। इस पर फर्दर प्रोसेस हुआ कितने का? 4,10,000 का। ऐसा है, इससे बन गया एक प्रोडक्ट जे वन एक्स। टोटल खर्चा अब तक कितना आ चुका है इस पर? 8,50,000। पक्का ये 1,10,000 था, इस पर मजीद कितने का खर्चा हुआ? इससे बने दो प्रोडक्ट कौन से? जे टू वाई और बी वन। इस बी वन को मैं फर्दर प्रोसेस करके बेचूंगा कितने का? 15,000 का। ऐसा बी वन जेड के नाम खर्चा कितना आया इस पर? आप एक से पीछे आ जाओ, कितना आ गया ये 5,000 मैं कह रहा हूँ जनाब, इसमें से मैंने एलोकेट कर दिया, कितने रह गए? 1,30,000 यहाँ रह गए और 1,10,000 यहाँ है, कितने हो गए टोटल? ये 2,40,000 कॉस्ट मिल गई किसको? जे टू वाई को। पक्का अब दोनों का प्रॉफिट निकाल लोगे, देख लोगे हिसाब किताब। अब उठा के कॉपी करो, मैं इस पर सवाल पूछ रहा हूँ।